हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आप एक कंपेरिजन करने जा रहा हूँ म्यूज़िक मिनी स्पीकर वर्सेस आईबॉल म्यूज़िक क्यूब एक्स वन के बारे में। जी हाँ, आज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस स्पीकर की यहाँ पे वॉइस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी अच्छी है, बेटर है, और कौन सा यहाँ पे स्पीकर आपको बाय करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूँ दोनों स्पीकर की प्राइस जो है, आई थिंक ये जो म्यूज़िक मिनी स्पीकर है ये हमको 300-350 का पड़ा था, और जो आपका ये आईबॉल म्यूज़िक क्यूब एक्स वन है ये हमको पड़ा था 500 रुपये का, 499 का। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा दूँ बिल्ड क्वालिटी। तो आप जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो प्राइस के अकॉर्डिंग म्यूज़िक क्यूब एक्स वन यानी कि आईबॉल स्पीकर की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई, काफ़ी अच्छा लुक आता है, काफ़ी अच्छा इसका वेट रेशियो भी है, और साउंड क्वालिटी के बारे में आपको भी आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और चलिए बात कर लेते हैं कि जो आपका सेकेंड जो स्पीकर है म्यूज़िक मिनी स्पीकर, उसको उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, वो कैसा है। या तो आप देख सकते हैं जो म्यूज़िक मिनी स्पीकर है इसकी बिल्ड क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग 300-350 में सही कहने लायक है, बट इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं है। आपको यहाँ पे सर्कल इसकी डिज़ाइन मिलती है, नीचे आपको सारे बटन मिल जाते हैं ऑन ऑफ के, वॉल्यूम के, यहाँ USB पॉइंट भी आपको मिल जाता है, यहीं से आप चार्जिंग भी कर सकते हैं। और उसका ये स्पीकर है, और इसमें खाली आपको जो स्पीकर में स्पेसिफिकेशन मिलते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारे स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे इसकी बॉक्सिंग ऐसी होती है, और यहाँ पे किसको सपोर्ट करता है, मॉड्यूलर क्या है इसमें, और एक्सपेंडेड क्या है, और सब उसमें दिया। आईबॉल के भी बॉक्स में आपको सारी यहाँ पे डिटेल दे दी जाती है कि स्पीकर में क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या मिल रहा है, और कितने प्राइस का यहाँ पे, और यहाँ पे आपको की फीचर भी दे दिए जाते हैं, और स्पेसिफिकेशन भी आपको यहाँ पे बता दिया जाता है कि आउटपुट पावर कितना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको आप स्टार्ट करेंगे मिनी म्यूज़िक मिनी स्पीकर को, तो इसमें लाइटिंग का एक इफेक्ट यहाँ पे अट्रैक्टिव है, बाकी स्पीकर देखने में तो अट्रैक्टिव उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी प्लास्टिक बॉडी जो कि काफ़ी मतलब चीप यहाँ पे शो करती है, बाकी इसकी लाइटिंग है ये काफ़ी यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, इसकी मल्टी लाइटिंग है। तो चलिए इसको मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी होती है। तो सबसे पहले आप मोबाइल में जाएंगे, वहाँ पे ब्लूटूथ अपना ऑन करेंगे, बाद में इसको आप पेयर कर लेंगे। जैसे पेयर कर लेंगे तो यहाँ पे जो साउंड आप प्ले करेंगे अपने मोबाइल में वही आपके स्पीकर में बजने लगे, चाहे वो आपकी कॉल हो, रेडियो हो, या म्यूज़िक प्लेयर हो, या फिर आपका यूट्यूब के कोई वीडियो हो। तो मैं आपको यहाँ चलिए प्ले करके दिखा देता हूँ साउंड। तो दोस्तों जो साउंड क्वालिटी है इसका मैं रिव्यू आपको फाइनल डिसीजन वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको आईबॉल म्यूज़िक क्यूब एक्स वन में कैसा साउंड मिलता है। तो सिंपली इसको आप जैसे ऑन करेंगे आपका ब्लूटूथ तो ऑन है, कनेक्ट हो जाएगा। चलिए सुनते हैं इसका भी साउंड कैसा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे साउंड क्वालिटी बोथ स्पीकर की सुनी, तो मेरे यहाँ पे जो वर्डिक है मेरे हिसाब से जो आपका म्यूज़िक मिनी स्पीकर है उसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो है, और काफ़ी ज़्यादा उसमें बेस भी कम है, तो आपको बस आई थिंक लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 300 रुपये आपके 350 रुपये जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं दी जा रही है। तो उसमें आप 150-200 रुपये एडिशनल ऐड करके यहाँ पर आप आईबॉल का म्यूज़िक क्यूब एक्स वन ले सकते हैं, जिसमें आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है, लुक्स अच्छे मिलते हैं, और अगर किसी के सामने उसको आप शो करते हैं कि मैंने स्पीकर लिया, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे आपकी इमेज डाउन नहीं हो, क्योंकि वो काफ़ी लुक उसका काफ़ी अच्छा आता है और साउंड क्वालिटी भी अच्छी आती है। मगर उसके हिसाब से अगर उसके कंपेरिजन में आप म्यूज़िक मिनी स्पीकर लेते हैं तो उसमें आपको चीप लगता है, कुछ साउंड क्वालिटी भी चीप है, इसकी जो बिल्ड है वो भी प्लास्टिक बेकार है, और लुक्स भी इसके बेकार हैं। तो मेरे हिसाब से आप आईबॉल म्यूज़िक क्यूब एक्स वन के लिए जा सकते हैं। और इसके पहले मैंने इसके एक रिव्यू बनाया है, वीडियो सेपरेट वीडियो बनाया दोनों साउंड दोनों स्पीकर के, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, हमारे अगर न्यू व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब करें, और चैनल वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सके। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।